छुरी जिले में जर्जर सड़कों को लेकर बीजेपी ने धरना देने का ऐलान कर दिया और जिसके बाद प्रशासन ने बैठक बुलाई और छुरी की सड़कों पर सुधार करने का आश्वासन देकर फिलहाल धरने को स्थगित करा दिया गया है। इस बैठक में एसडीएम कटघोरा के साथ पीडब्ल्यूडी के एसडीओ तहसीलदार भी मौजूद थे और बैठक में छुरी कटघोरा पाली उर्गा की खराब हो चुकी सड़कों को लेकर चर्चा की गई। वहीं बैठक में शामिल होने के बाद बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि अगर 23 तारीख तक सड़कें ठीक नहीं होती तो बड़ा धरना किया जाएगा। छुरी में चक्का जाम करने वाले थे रोड को लेकर, जो रोड की हालत है कोरबा जिला का दुर्दशा, सब लोग पीड़ित हैं और हम लोगों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा था। आज यहाँ पर एसडीएम कार्यालय के हम बैठक बुलाया गया और बातचीत की गई कि धरना न किया जाए। हम लोगों को मांग था कि रोड का नवीनीकरण हो, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि 1.5 महीने के अंदर 48 करोड़ रुपये का, चाहे पाली हो, छुरी हो, कटघोरा हो, ये सारी सड़कों का टेंडर हो चुका है, 1.5 महीने के अंदर काम प्रारंभ हो जाएगा। दोनों के आपस में बैठक कराएगी जिसमें ये निष्कर्ष निकला है, एसडीक्यूडब्ल्यूडी ने आश्वासन दिया है कि आगामी 3 दिवस पर वहाँ पे अभी मरम्मत करने के लिए कुछ कार्य स्टार्ट किया जाएगा और साथ ही वो रोड उनके एस्टिमेट तो की जमा किया जा चुका है सेक्रेटरिएट में, वहाँ जब फाइनल हो जाएगा वो तो उसके बाद तुरंत वहाँ पे निर्माण कार्य किया जाएगा। माननीय जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं और माननीय एसडीएम साहिबा ने हमको यहाँ पे आज बैठक में बुलाया, बैठक में आश्वासन दिया कि हमें 1 हफ्ते का ये जो गड्ढे हैं उसमें 1 हफ्ते का हमें समय दीजिए, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आप फिर धरना पर जो आपको करना हो कीजिएगा। और दूसरा नए टेंडर की बात हुई, उसने पीडब्ल्यूडी के अधिकारी खान साहब ने बताया 47.5 करोड़ का टेंडर लग चुका है और उसकी प्रक्रिया जारी है, उसमें 1-1.5 महीना लग सकता है। उसके अगले उन्होंने बोला कि 1-1.5 महीने में हम काम शुरू कर देंगे। शशिकांत दिक्सेना जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। शशिकांत, क्या जानकारी दे पा रहे हैं, क्या कब तक इनकी समस्या का निराकरण होगा? बताना चाहूंगा, 1.5 महीने का लिया है और कुछ ही दिनों में टेंडर होने के बाद रोड मरम्मत चालू हो जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। चलिए, एक्सप्रेस स्पेशल में मेरे साथ इतना ही, खबर लगातार जारी है।